गाजियाबाद के नागरिकता कानून को लेकर कई जगहों पर बवाल को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वहीं आपको बताते चलें कि एडीएम सिटी, एसडीएम, एसपी सिटी व सीओ बॉर्डर ने फोर्स के साथ किया पैदल मार्च। साहिबाबाद के शहीद नगर जनकपुरी में शालीमार गार्डन में किया पैदल मार्च। किसी भी तरह के माहौल बिगाड़ने वालों को दी सख्त चेतावनी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस रखेगी कड़ी नजर। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने आज फ्लैग मार्च किया है। किस कारण से फ्लैग मार्च हुआ है? फ्लैग मार्च कल भी हुआ था, कंटिन्यू चल रहा है। जो एनआरसी के इशू को लेकर गलत अफवाहें फैल रही हैं, इसमें जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए और जो लोग हैं एक अच्छी सूचना के लिए फ्लैग मार्च अवेयरनेस के लिए। और आज साइबराबाद थाना क्षेत्र में हम लोग किराल कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि हम लोग सोशल मीडिया पर विशेष नज़र रखे हुए हैं। लगभग 6 टीमें इस पे काम कर रही हैं। 2 लोगों के खिलाफ सूचनाएं आई हैं, एक मसूरी थाना में, एक कोतवाली थाना में। तो उनके भी के सामने बात उनके हो सकता है कि रात में मुकदमे कायम हो जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि मतलब ऐसी स्थितियां न उत्पन्न करें जिससे कि कोई फर्दर ऐसी स्थिति आए। गाजियाबाद औद्योगिक नगर और एकदम पूरी तरह से शांत है।